नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजू बाइक मैकेनिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक वीडियो मेरे पास ये CT100 बजाज ओल्ड मॉडल बाइक का ये चैम्बर है। ये चैम्बर मेन चैम्बर है जो राइट साइड लेफ्ट साइड का चैम्बर सॉरी। तो इसमें अभी मैं जो ये क्लच की जो मेन शाफ्ट होती है उसका ये बेरिंग रूलर बेरिंग लगा होता है, इस बेरिंग को चेंज करना हो तो मैं इसमें मेरी शॉप पर चेंज कर रहा हूँ। तो मैं बोरिंग वाले पास नहीं लेके जाऊँ, तो मैं खुद पे शॉप पर करूंगा इसको बेरिंग को चेंज। तो यहाँ पर ये रूलर बेरिंग लगा होता है, यहाँ पर चेन सेट स्प्रॉकेट लगी होती है, तो इसमें पास में रूलर बेरिंग लगा होता है। तो इसको मैं अभी चेंज करूंगा, नया बेरिंग लगा रहा हूँ इसमें। तो जब भी आप बाइक का इंजन नया बना रहे हो तो इसे रूलर बेरिंग को नया चेंज लगा देना है। तो ये क्या बार बार टूटने वाले, दोबारा खोलने में दिक्कत आती है, बार बार खोलना पड़ता है। तो मैं अभी इसको बाहर निकालता हूँ, तो आपको मैं बताऊँ किस तरह से बाहर निकालना है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक बने रहेगा, और मेरे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आके नोटिफिकेशन ऑन करें। चलो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस बेरिंग को बाहर निकालना है, तो कौन सी साइड से निकालना है मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ये रूलर बेरिंग है, तो ये अंदर की साइड से लगा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा इस चैम्बर को, बाहर से इसको अंदर चोट लगाना है, यहाँ पर बाहर की साइड से अंदर की तरफ ठोकना है इस चोट इसमें, या आपको इसका कूलर जो कूलर बना रखा है कूलर से निकाल सकते हो, या इस प्लग पाने से तो बाहर निकाल सकते हो इस तरह से। तो मैं इसमें गोटी से बाहर निकाल रहा हूँ, ये मेरे पास ये गोटी है 12 नंबर की राउंड गोटी, इस गोटी से इसको बाहर निकालूंगा चोट मार के। इसे चोट मारना है, हल्की हल्की चोट मार, ज्यादा चोट नहीं मार, ज्यादा चोट मारो इस चैम्बर को टूटने का डर रहता है। तो इसमें हल्के से इसी तरफ चोट लगा, उसमें इतना नीचे चले गए तो बाहर निकले अंदर की साइड को, किसी इसमें ऊपर चोट मारना है। गोटी इसमें वो ही लगानी, इसमें पूरी पूरी साइज में वो बड़ी गोटी नहीं लगानी, चैम्बर के अंदर चली जाओ ऐसे लगाना। अभी इसमें इतना बैठ गया तो उसको फिर हम गोटी को बाहर निकाल लेते हैं, इस बेरिंग को सीधे इस गोटी राउंड से नीचे साइड चोट लगानी। थोड़ा सा इसमें टाइट है, थोड़ा बेरिंग बाहर निकल गया, ये देखो ये बाहर निकाल दिया। अभी तो अभी इसमें नया बेरिंग लगाऊंगा, तो बेरिंग नया लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, अच्छी तरह साफ कर लेना है, फिर इसमें नया बेरिंग लगाना है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये नया बेरिंग है बजाज जेनवन, ये एक मेन शाफ्ट रूलर बेरिंग है, इसकी MRP है 85 रुपया MRP है, और ये इसका पार्ट नंबर है 3910080। तो ये इसका पार्ट नंबर है। तो अभी इसी बेरिंग को मैं इसके अंदर चैम्बर के अंदर बैठाऊंगा इसको। तो इसको लगाने से पहले अभी इसको यहाँ पर ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है, नए ऑयल से लुब्रिकेट करके अंदर ये साइड है, अब नीचे की साइड रखना है, जिस साइड से बेरिंग जो साफ रहती है ऊपर की साइड में रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर बिठा देना है। अभी इसे पूरा बैठा नहीं है, तो इसको नीचे चोट मारने के लिए इसको वो गोट इसके ऊपर आ जाते, इससे ऊपर उसके बाद लोहे के एम्बर से इसे चोट लगाना है हल्के की, इसको नीचे बिठा देना है, ज्यादा बाहर नहीं निकालना, बरोबर में रखना है इसको। तो उसमें बेरिंग मैंने लगा दिया अभी, तो
इसमें ब्रोबर आ गया चैम्बर के ब्रोबर में अभी, तो इसमें बार की साइड में ब्रोबर है, तो इस तरह से आप इस बेयरिंग को चैम्बर के अंदर फिटिंग कर सकते हो। तो वर्कशॉप जो बोरिंग वाले के पास में जाने कोई भी जरूरत नहीं, अपने वर्कशॉप पर ही आप इस रूलर बेयरिंग को चेंज कर सकते हो। दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर करना वीडियो कैसा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही।